विनाश करेगी उससे पहले मैं ही तेरा विनाश कर दूंगी। जटाजूट मध्य स्पुरत। ये आप दोनों क्या अनर्थ कर रहे हैं? देवी कोई अनर्थ नहीं होगा, आप जाइए कच्छ के पास और पूजा की तैयारी कीजिए। क्षमा कर दो कर, मुझे क्षमा कर दो, तुम्हें श्राप देना मेरी बहुत बड़ी भूल थी, तुम्हें श्राप देना मेरी बहुत बड़ी भूल थी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया कच्छ, मुझे क्षमा कर दो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है देवयानी। जब कोई हृदय की गहराई में बस जाता है तो मन उसमें बस जाता है, जिससे कभी कभार इस प्रकार के दुष्परिणाम सामने आते हैं। तुम्हारा कोई दोष नहीं है देवयानी, कोई दोष नहीं है। देवी आप दोनों तनिक भी चिंता मत कीजिए, अब सब ठीक हो जाएगा। किंतु देवी आपके साथ मारुति भी था, कहाँ है मारुति? काका देवी, कोई अनर्थ नहीं होगा, आप जाइए कच्छ के पास और पूजा की तैयारी कीजिए। बजरंग बलि, बजरंग बलि, बजरंग बलि। देवी आप चिंता ना करें, वहाँ पर सब कुशल है। मारुति पूजा की तो सारी व्यवस्था मैंने कर ली है, किंतु ये एक विशेष पूजा है, इसके विधान की जानकारी साधारण पुरोहित को नहीं है। इस अनुष्ठान में तनिक भी भूल चूक हुई तो श्राप का परिणाम उल्टा भी हो सकता है। जो कच्छ और देवयानी के लिए बहुत ही घातक होगा। इसलिए इस अनुष्ठान के लिए एक विशेष पुरोहित को ही बुलाना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं काका, किंतु कौन करा सकता है ये पूजा? इसके लिए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सप्तऋषि से अच्छे पुरोहित और कोई नहीं हो सकते। वे ही इस पूजा को विधि विधान के साथ संपन्न करा सकते हैं। आप धन्य हैं प्रभु,
धन्य हैं आप। अब समस्या का निदान हो जाएगा और केसरी जी के प्राण बच जाएंगे। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। पुत्र केसरी का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता ही जा रहा है। अब तो सारे वैद्य भी निराश होकर जा चुके हैं। कुंजर जी, कुंजर जी, मेरा योग चक्र केसरी जी की रक्षा कर रहा है और जब तक समय समाप्त होता है तब तक मारुति संजीवनी लेकर आ ही जाएंगे। अब चिंता की कोई बात नहीं है। हे ईश्वर, हमारे नन्हे मारुति को जल्दी भेज देना और इस बार उसके मार्ग में कोई बाधा ना आने पाए। प्रभु, कोई बाधा ना आने पाए। हो रहे हो? अच्छा होगा कुछ समय विश्राम कर लो। विश्राम हम कैसे कर सकते हैं माते, बताइए ना, विश्राम कैसे कर सकते हैं हम? अरे रावण है हम माते, रावण। हम महाशक्तिशाली हैं, महाबलशाली हैं, महातपस्वी हैं, परंतु बार बार हमें इन तुच्छ वानरों से परास्त होना पड़ता है। शुभ समाचार लाए हो या नहीं? लंकेश, रक्ष कुमारी सुर्पनखा उस अंजना पर आक्रमण करने ही वाली थी, किंतु केसरी का नाम सुनते ही न जाने अंजना में कहां से एकाएक शक्ति आ गई और उसने रक्ष कुमारी पर आक्रमण कर दिया और रक्ष कुमारी अचेत हो गई। ऐसा नहीं हो सकता। और उस मारुति का क्या? महाराज, मारुति ने भी देवयानी को मना लिया है और अब वो कच्छ का श्राप मिटाने के लिए पूजा कराने जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। यदि इस मरणासन अवस्था में हम केसरी को मार नहीं पाए तो सब कुछ व्यर्थ है। व्यर्थ है हमारी शक्तियां, व्यर्थ है हमारी तपस्या, व्यर्थ है हमारा जीवन, सब कुछ व्यर्थ है। शांत पुत्र, शांत। क्या तुम भूल गए कि तुम दशानन हो, दशकंधार हो? एक नहीं, 10 रावण की शक्तियां हैं तुम्हारे पास। तुम अपनी दशम दीपानी जैसी साध्य शक्ति का प्रयोग करो। उसके प्रहार से केसरी का योग चक्र बच ही नहीं सकता। आ
आपका सुझाव बहुत अच्छा लगा माते हमें। हमारे 10 रूपों से उत्पन्न दशम दीपानी शक्ति प्रज्वलित होकर जब केसरी पर 10 दिशाओं से आक्रमण करेगी, तब केसरी के योग चक्र को टूटने से कोई बचा नहीं पाएगा माते, कोई नहीं। हाँ पुत्र, तुम अपनी दशम दीपानी शक्ति को जागृत करो। देखने दो संसार को कि रावण की शक्ति क्या है। रावण है हम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुत्री, अब हम सब साधु साधना के लिए दूसरी ओर जाएंगे। अब यहाँ से गंगोत्री का रास्ता भी कुछ ही शेष बचा है। आप कुछ ही क्षण में गंगोत्री तक पहुंच जाएंगी। अब आगे आपको स्वयं जाना है। अब आप हमें आज्ञा दें। आप सबने मेरा यहाँ तक साथ दिया, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। आपका कल्याण हो पुत्री, भोलेनाथ आपकी यात्रा को सफल बनाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अंजना, मुझ पर अचानक आक्रमण करके तू क्या सोच रही है कि तूने मुझे परास्त कर दिया? शूर्पणखा हूँ मैं। तो यहाँ तक तो पहुँच गई, किंतु गंगोत्री तक नहीं पहुँच पाएगी तू। अंजना, अब तो तेरा अंत निश्चित है, वो भी शूर्पणखा के हाथों से।
कुल का नाश निश्चित है। ये निर्जन स्थान बड़ा ही विचित्र है। ये सब कितना भी प्रयास कर लो किंतु मुझे मेरा पतिव्रत धर्म निभाने से नहीं रोक पाओगी। तुम्हारा धर्म भी टूट जाएगा। हे माँ देवी निकुम्बला, आपके आशीर्वाद से मेरा पुत्र रावण दशानन हुआ है। अपना मुंह खोलो, अन्यथा तुम्हारा मुंह फाड़कर ये सारा मांसाहार तुम्हारे मुंह में डाल दूंगी। आप अंजलि में जल लेकर ये प्रण लीजिए कि आप कच्छ का श्राप वापस लेंगे।